وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يكتب كتاب عليه जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है ताकि दानश मंद इसकी आयतों में गौर विक्र करें और नसीहत करेंदुल्लरत मतल मरत साम करामक वरम वक् सामने करम सूर् नस नंबर तीन सौ चालीस आयत नंबर एक हिस्सा सोम आज का मौजू क्या हम बेहोश कौम हैं इसके साथ आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुज्ता सबक का इदा होगा पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مهربان نهاية رحم ہے يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی يعني اول اس سے اس کا جوڑا بنایا फिर उन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रुए ज़मीन पर फैला दिए और खुदा से जिसके नाम को तुम अपनी हाजत बरारी का जरिया बनाते हो डरो और मदत अरहम से बचो कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हें देख रहा है असलाम सूर नि आयत नंबर एक का हम मतलब कर रहे हैं लफ्जी तर्जुमा याबकुम ए लोगो अपने रब का तकवा इख्तियार कर लो जिसने तुम्हें बनाया पैदा किया मिन नफसम वाहिदा एक जान से व खल मिनह जोजहा और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया व बसमिन हमा रन कसीरम नसान और दोनों से फिर बहुत से मर्द और औरतें फैलाईं व तकुल्लाजी और अल्लाह उस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो तसालून भी ही जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपना हक़ मांगते हो वल अरहाम और रिश्तेदारी के ताल्लुकात को बिगाड़ने से बचो इला काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी तुम पर निगरानी कर रहा है जामिन कर बहुत अहम आयत है और देखें अगर यही आयत को हमने ले लिया कबूल कर लिया और अल्लाह के मुतालबे को तस्लीम कर लिया तो इसमें हमारी कामयाबी है और मतलब सादा सा है कि तुम महतात तर्ज अमल अख्तियार करो और देखें एक बात नोट कर लें कि हम महताद तर्ज अमल अख्तियार कर ही नहीं सकते जब तक हम अपने अकल और सोचो बेचार से काम न लें फिकर न करें सोच सोचें नहीं सोच से गुज्त सबक में हमने पढ़ा था ना कि इन नफ़ी के समावत वल अर्द वक्त वखतिलाआयातिलबाब बेशक पैदाइश में ज़मीनों ज़मीन और आसमानों की और रात और दिन के बारी बारी आने में निशानियाँ हैं बहुत सी निशानियाँ लाआयात बहुत सी निशानियाँ हैं लेकिन किसके लिए अक्लमंद जो है तो असल में तो हमने अपने आप को बेवकूफ़ बना लिया है और उल्लू बन गए हैं मैं मतलब इल्ज़ाम तो अपने आप ही को हम देंगे किसी और ने नहीं बनाया किसी और की मजाल नहीं है कि हमें उल्लू बना दे दुनिया के कामों में तो हम उल्लू नहीं बनते पांच हजार के नोट को कभी आपने दो बीस रुपए का नोट समझ के दिया है या किसी ने आपको बीस का नोट थमा के पचास हजार रुपए का नोट आपसे लिया है ऐसे उल्लू तो आप नहीं बनते उल्लू हम बनते हैं तो नहीं मामिलात में या अल्लाह के जो मामिलात हैं अल्लाह के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसमें हमने अपने आप को उल्लू बना लिया है बेवकूफ़ मतलब उल्लू मतलब उल्लू एक रवायती तौर पर बेवकूफ़ी के लिए इस्तेमाल होता है तो बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा लेकिन वो आम तौर पर रिवायती लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बेवकूफ़ी का तो बेवकूफ़ देखें बेवकूफ़ अगर आप अपने आप को आपने बना भी लिया तो इसका खमियाजा और नतीजा तो आपको ख़ुद भुगतना होगा अल्लाह ताला ने वाजह तौर पे कुरान में फ़रमाया है कि या यूहन्नासामा बगीकुम अला अनफ सकुम मताअल हयात दुनिया मरजम ए लोगो तुमने जो मुझसे बगावत का एक रवैया इख्तियार कर लिया है इसका बबाल तो तुम्हारे अपने ऊपर पड़ेगा मुझे आप बताएं किसको नुकसान होगा जब रोजे हशर जिस पे हमें यकीन नहीं है जब हम जाएंगे अल्लाह के हुजूर हाजिरी देंगे और वहाँ जो यानी अजाब मिलेगा हमारे करतूतों का किसको मिलेगा सहर के हमें ही मिलेगा तो देखें बेवकूफ़ी बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है दुनिया के मामलों में मैं तो कह रहा हूँ आप बेवकूफ़ नहीं बनते आपके घर की पचास लाख रुपये मालियत है मार्केट की क्या आप दस लाख रुपये में दे देंगे उल्लू बन जाएंगे बन जाइए उल्लू ऐसा तो नहीं होता दुनिया के मामलात में तो आप बड़े होशियार हैं लेकिन जो रब के साथ मामला है वो उसमें हम बेवकूफ़ बन जाते हैं अपने आप को बेवकूफ़ बना लेते हैं हम जैसे कुछ जानते नहीं अब तकबा का मफहम हम जानते ही नहीं हैं जो असल मफहमूम है तकबा का वो हम जानते नहीं हैं दीन का मतलब नहीं जानते आ, और तोहेद का मतलब नहीं जानते रिसाल के मफहम से हम आगाह नहीं हैं आखिरत का जो तस्वर है उससे हम आगाह नहीं हैं किसी चीज़ के बारे में हमें हमारी वाकफियत नहीं है जैसे कि होनी चाहिए दीन को आपने महदूद कर लिया है चंद आमाल अफ़ाल तक तोहद को आपने महदूद कर लिया है सिर्फ़ इस तक के अल्लाह को हम मानते हैं तो ये यकीन तो का मशरक़ों को भी हासिल है अल्लाह को तो वो भी मानते थे तो ये देखें मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप असल में बात क्या है बात यह है कि हम सो रहे हैं हम लोग सो रहे हैं मिन हैसल कौम हम गाफिल हैं उलाय कहमल गाफिलूनून के अल्फाज अल्लाह ताला ने बयान की कि गाफिल हैं ये और सो रहे हैं अलैहि वसल्लम के खुद ही फरमान है कि उन्होंने फरमाया कि लोग सो रहे हैं जब मौत आएगी तो ये ये जाग जाएंगे लेकिन ऐसा तो करना नुकसान है यानी उस वक्त जागने का क्या फ़ायदा जब आपका सब कुछ असासा चाह जल जाए हकीकत यह है कि हमारे पास देखें असासे हैं ज़िंदगी एक असासा है इख्तियार एक असासा है मोहलत जो वक्त है ये एक असासा है और ये हम इसको हमने अपने आँखों से यानी दिया सलाई दिखाई है और इसको जला रहे हैं मौके को ज़ाया कर रहे हैं आप ज़िंदगी तो एक बहुत क़ीमती मौका है इसमें तो आप तमाम जो आखिरत है उसको आप ख़रीद सकते हैं आखिरत का सौदा दुनिया को बेच के होता है फ़लका फ़ी सबी ला लजी न हयात दुनिया वो आयत मुझे भूलती नहीं है कि अल्लाह की राह में तो वो लोग लड़ेंगे जिन्होंने अपनी दुनिया की ज़िंदगी को बेच दिया है आखिरत के है हम तो दुनिया की ज़िंदगी बेचने के लिए तैयार नहीं है अल्लाह के हाथों बल्कि हमने उखरवी ज़िंदगी का सौदा कर लिया है दुनिया की ज़िंदगी के बदले यानी ओ आखिरी उखरवी मफादात को हमने बेच डाला है दुनिया के चंद टकों के लिए और वो टके भी आपको मिलेंगे थोड़ी वो तो आप छोड़ के चले जाएंगे जो भी टके आप कमाएंगे वो तो आप छोड़ के चले जाएंगे आपको तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा ब रह गई आपकी औलाद तो वो तो आपकी दुश्मन है रोज़ क़्यामत आप सब एक दूसरे के दुश्मन बन के एक दूसरे से भागेंगे ये तो अल्लाह ने फरमाया है क़ुरान तो आप यानी किस किस का फ़ायदा कर रहे हैं यानी तकवा जैसी चीज़ को आप हासिल नहीं कर रहे उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे उसके लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं एक सवाल ये भी तो बनता है यानी आपने अपनी आखिरत का सौदा क्यों कर लिया है दुनिया के हकीर मफाद के बदले ये मताउन कलील या मतलू के बदले आपने अपनी आखिरत का सौदा कर लिया है आपने दोज़ख़ को खरीद लिया है जन्नत को दे के आम तौर पर तो देखें ऐसा ही हो रहा है मेरी आपसे कोई कोई खाम खा ऐसी कोई दुश्मनी तो नहीं है जो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ आप सोचें ना आखिर क्या वजह है कि मैं आपको ये बातें कह रहा हूँ इसमें महज एक बात है कि वो अल्लाह की तरफ से आपको मैं ये बात कह रहा हूँ और अल्लाह ताला तमाम व युजकुम नफ्सा अल्लाह ताला तुम्हें अपने अजाब से डराता है ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की नाराज़गी को मोल लेके हम दुनियावी मफादात का सौदा करते हैं तखवा और रजा लही रजा लही को आपने फरामोश करके अल्लाह की नाराज़गी को मोल ले लिया है देखें दो ही सूरतें हैं मैं ये एक जुमना कह रहा हूँ इसको रज़ा लाही को आपने अगर फरामोश कर दिया तो इसका मतलब यह है कि आपने अल्लाह के गुस्से को दावत दे दी और अल्लाह के गज़ब को दावत दे दी और अल्लाह ताला का गुस्सा आप अपने ऊपर जायज़ करार दे रहे वो मई यक़द हवा अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि जिस पर भी मेरा गुस्सा साबित हो गया वो तबाह हो गया बर्बाद हो गया फ़िलाई कम गबी वमन याहिल गदबी फ़क़ हवा तो बारवा का मुतालबा है और ये हमारे हक़ में हमारे लिए बेहतर है कि हम अल्लाह का तकवा इख्तियार कर लें जो कि हमारा रब है जो कि हमारा सब कुछ है देखिए दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी दिया हुआ है जान है माल है वक्त है क़वतें हैं ये सब अल्लाह ताला की दी भी हैं अपने वक्त को कीमती बना लें इसको ज़ाया ना करें और मोहतात रवैया इख्तियार कर लें और मैं आपको कह चुका हूँ कि आप मोहतात रवैया इख्तियार नहीं कर सकते जब तक आप दुनिया से रुख फेर के अल्लाह की तरफ़ रुख न कर लें और कह दें कि लबैकल्लाम लबैक ला शरीक वल मुल्क लब, इन्ला लक लब ये हाजी का है दर लेकिन दरअसल ये आपने आपने अभी पढ़ना है इसी वक्त पढ़ना है इस पे अगर आप सोचते रह गए और हमने तो देखें लब्बैक कहा दुनिया को ज़ाती मफादात जो मादी मफादात हैं उस पर हमने उसको हमने लब्बे कह दिया है आप वो कलमा तो महसूस करें ना जो आप पढ़ रहे हैं अपने अमल से अल्लाह हमें अपनी तरफ बुला रहा है या अलया अबादल्ला फ़िर सबक़ु इला मगफरत मर रब व जन्ना सारे उला मगफिरत मर रब व जन्ना जल्दी करो एक दूसरे से सबकत ले, ले जाओ दौड़ो फरार इख्तियार करो अल्लाह की तरफ लेकिन हमने लब्बै कहे दुनियावी मफादा को हम में से हर शख्स दुनियावी मफाद का असिर है क़ैदी है और इसी दुनिया तक उसकी नज़र है इसके यानी इससे अपनी आखिरत फरामोश है ये आज का मुसलमान जो है इंसान मैं नहीं कह रहा होंगे कोई इंसान आप तो आप तो दावे ईमान करने वाले हैं आपने अपनी आखिरत के फ़ायदे को फरामोश करके दुनिया के चंटकों के लिए थोड़े से फ़ायदे के लिए आपने अपनी आखिरत का सौदा कर लिया है आप खुदा फरामोश है आखिरत फरामोश है अपने आप को आप भुला के ज़िंदगी गुजार रहे हैं असल चक्कर तो ये है सामने क्राम कि आप अपनी हकीक़त को भुला कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गैरुल्ला को आपने लब्बैक कह दिया है गैरुल्लाह के सामने आप झुके हुए तो झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन तेरा हम तो गैर के आगे झुके हुए गैर क्या है मासेब अल्लाह गैर है अल्लाह के सामने झुकना चाहिए अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए अल्लाह को लब्बैक कहना चाहिए लब्बैक लब्बैक। लब्बैक ला, शरीक लब्बैक। ला शरीक लक कला शरी कलकैैक इन्ल हमदव लक लकबल मुल्क ला शरीक कलक तेरा कोई शरीक नहीं हकीकत में नहीं है <laughs> <laughs> उस जैसी हस्ती तो कोई है ही नहीं रब अल्लाह सोचे ना थोड़ा सा उसके अलावा तो कोई हस्ती है नहीं हकीकी वजूद तो उसी हस्ती का है और किसी चीज़ का हकीकी वजूद ही नहीं है ये तो मांगे तांगे की चीज़ें हमारे पास ये तो अल्लाह की दीवी हैं सारी हमारी तो आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक बन गए अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं वो औरतों का एक मार्च में जुलूस निकलता है ना वो कहते हैं मेरा जिसम है मेरी मर्जी है तो जो भी उनकी नीयत है लेकिन ये नारा ख़रनाक है ना आपका जिसम है और अगर अल्लाह के जिसम पर आपने अपनी मर्ज़ी चलाई ये देखें मैं उस औरतों के जो नारा है उससे मुख्तल बात कर रहा हूँ लेकिन बात तो ये है कि हम सब माई लाइफ एंड माय स्टाइल ये आप सुनते हैं ना तो हम तो मतलब यह है कि अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं ये मैं एक सादा सी बात करूं इसको अगर आप सोचें और गौर करें हम में से हर शख़्स अपनी मर्जी ज़िंदगी जीना चाहता है वो घर में बैठी हुई जो ख़ातून खाना है ना वो भी अपनी मर्जी के चलाने के चक्कर में है जितना भी देखें जिससे जितना हो सकता है वो अपनी मर्ज़ी मनमाता है जहाँ मजबूरी आ जाती है वो अलग बात है अब फिरौन था और उसके मुतबईन थे तो फिरौन ने कहा कि मेरी मर्ज़ी चलेगी यहाँ पे मिस्र में मेरी मर्ज़ी चलेगी और जाहिर है कि फिर उसकी जो सिपाही थे वो भी कुछ फिरौन से कम तो नहीं है नहीं थे लेकिन वो ताबे थे क्योंकि बादशाह था वो इसी तरह हम हम में से हर शख्स अपनी मर्जी जिंदगी गुजारना चाहता है इस बात पे थोड़ा सा आप सोचें ना क्या आप में नफसानियत नहीं है है, तो नफ्स तो कहता है कि बस मुझे ही देखो मेरा ही मानो कहना नफसानी ख्वाहिशात, यानी इंसान ताबे हो गया है नफसानी ख्वाहिशात के हालांकि इसको इसको सवारी करनी चाहिए थी अपने नफ्स पर और अल्लाह के रास्ते पर नफ्स को नफ्स पर सवार होके जाना चाहिए था यह नफ्स तो सावनिक्रम एक सवारी है अगर आप पर सवार हो गया तो आपको जहन्नम ले जाएगा आपने इस पर सवारी शुरू कर दी तो आप जन्नत में चले जाएंगे बुर्रक़ महराज की रात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सवारी पर सफ़र किया उसका नाम क्या था बुर्राख़ हज़रत शाह वली मुहद्दस देहलवी बड़े पाए के बुज़ुर्ग थे आलिम थे बुज़ुर्ग थे वो तफसील फरमाते हैं बुर्राक की कि बुर्राक था क्या हकीकत क्या थी वो फरमाते हैं कि ये यह नफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था सुबहानल्ला और जितकी जो आनन फ़ानन जिसकी स्पीड आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हुजूर जब गए और वापस आए तो कुंडी अभी हिल रही थी बिस्तर अभी गर्म था <laughs> इतनी तेज़ रफ़्तारी तो ये देखें नफ़ हमारा इस वक्त जो है इस बात को ज़रा आप सोचें Uh, कि आप आप इस वक्त यानी बात क्या है कि आप अपनी कैफियत का अंदाज़ा लगाएं कि आपका नफ्स आप पर सवार है कि आप नफ्स पर सवार हैं ये तो एक सवारी है इब्तदा में इन नफ्सम बस्सु नफ्स आपको ज़ाहिर की तरफ़ आमादा करेगा जाहिर बुराई है जाहिर गुना है मादे की तरफ़ आपने रुजू कर लिया तो ये गुना है अल्लाह को भूल के तो वो नफ्स तो आपको इस तरफ आमादा करता है आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें रात को जब आप अंधेरे में यानी किसी वक्त भी आप थोड़ा सा सर झुका के ये अपने आप से सवाल करें अपना अंदाज़ा लगाएं कि नफ्स आप पर सवार है कि आप नफ्स पर सवार है अमूमी तौर पे आज जिस हजूम में रह रहे हैं इन सब पे तो उनका नफ्स गालिब है नफसानी ख्वाहिशात गालिब है आप देख लें अपने नफ्स को तो इस हालत में तो देखें यानी नफ्स की हालत तो उस वक्त बदलेगी जब आप इसको बदलना चाहेंगे ये नफ्स काबिल असलाह है ये नफ्स तस्किया हो सकता है इसका और कामयाब इंसान वो है जिसने अपने नफ्स का तस्किया कर लिया क़द अफलाहा मन तज़क्का यकीन कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपना तस्किया कर लिया नफ्स की सफाई कर ली हजूर सल्ला वम की जो चार सिफात जो चार ड्यूटियाँ हैं उसमें से एक जो है वो हिम, मुजक्की हैं वो नफ्स नफूस का तस्किया करते हैं लेकिन आप अपने आप को रसूल के हवाले करें तो तब ऐसा होता है ना अब डॉक्टर बैठा है मरीज उसके पास जाए नहीं तो वो इलाज क्या होगा उसका हम तो अपना 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 हमने सब अपना घर बना लिया अपने यानी एक दुनिया हमारी आबाद है अपने मंसूबे हैं हमारे ख्वाब हैं अपने दुनिया के मुतालिक हम तो रसूल के पास जाते ही नहीं हैं रुजू नहीं करते ना अल्लाह से ना रसूल से हम तो दूर हैं अल्लाह से भी और उसके रसूल से भी रुजू अल्लाह नहीं है और रसूल के दरबार में भी हाज़िरी नहीं है हमारी होनी चाहिए इंसान को अपने नफ्स के तस्किए के लिए दरबार रसूल से फैज़ हासिल करना चाहिए ये बात मैं आपको कह दे रहा हूँ इसकी तो तफसील है लेकिन ये है कि मख्तसर मैं आपको बात बता रहा हूँ दरबार रसूल तक अगर आपको आपने रसाई हासिल नहीं की तो आपका तस्किया नहीं हो सकता रसूल आपका तस्किया करेंगे वहीज़क की हिम ये उनकी ड्यूटी है लेकिन आप ही रुजू न करें रसूल से रसूल से ताल्लुक़ न जोड़ें तो फिर तो आपका तस्किया नहीं हो सकता तो बहरहाल ये सारी बातें हैं बात है तकवा की तकवा और तकबा मैंने आपको बताया है कि आप पैदा हो नहीं सकता जब तक दुनिया में रहने की नीयत अल्लाह नहीं है आपकी हमारी तो यानी मसला हमारे साथ ये है कि दुनिया में रहने की नीयत दुनिया का फायदा बन गई है दुनिया ही के लिए आज का इंसान जो है जिंदा है और दुनिया ही के लिए जिंदा रहना चाहता है दुनियावी नफसानी ख्वाहिशात इसका मबूद है और इस बात को आप हल्का ना लें यह शिरक है अल्लाह के सिवा किसी और का कहना माना मानना जो है यह शिरक है हमारा अल्लाह तब्ला हो उसका हुक्म है कि उसके सिवा किसी का कहना नहीं मानना और ये गैर-अल्लाह का कहना मानना ये जुल्म अजीम से अल्लाह ताला ने इसको बयान किया इन न शर्का अजीम बेशक शिरक जो है बहुत बड़ा जुल्म है और ये जुल्म अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा इन ला फिर अन कभी बिही व फिर मादू नज़ा लिकमैशा ये शर्क का जो गुना है ना ये अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा ये अल्लाह ताला ने किताब में लिख दिया है हम सब लोग शोरी या गैर शोरी तौर पे अल्लाह के साथ शरीक बनाए वे नफ्समारा ख्वाहिशात नफ्स हमारा मबूद है कुरान उसकी तस्दीक कर रहा है अर आमन तखदा अलाह हो हवा हो क्या तुमने देखा है उस शख्स को जिसने अपने मबूद अपनी ख्वाहिशात को बना बना लिया है और ये गुमराह हो गया है वह वदल्लाम वत्म अला कल्ब ही व बसरी ये आख़िरी मजमून है तो देखें बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है मोहलत को ज़ायर नहीं करना चाहिए मोहलत को वक्त को मौका ये दुनिया जो है ना जिसमें हम रह रहे हैं इस वक्त देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चौंसठ साल उम्र है और मौत के बस मैं दहाने पर हूँ लेकिन अगर मैं अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर देता देखें कबूल करना तो अल्लाह ताला की वो है ना लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वक्त को ज़ाया ना करूँ लेकिन आप इसी तरह आपने भी सोचना है आप क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं आप क्यों गफलत में वक्त गुजार रहे हैं आपको लौट आना चाहिए अल्लाह की तरफ अल्लाह की बंदगी की तरफ लिबास तकवा आपको पहनना होगा उसके लिए ज़रूरी यह है कि आप दुनिया में रहने की नीयत को बदल लें अल्लाह को मंजिल बना लें अल्लाह ही को महबूब वाहिद, वाहिद, वाहिद बना लें मकसूद वाहिद बना लें अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दें और अल्लाह के रास्ते पर चल पड़े मोहम्मद रसुल्ला के नक्श कदम पर तो बस आप कामयाब हैं अब आप मोहतात रहें लिबास तकवा अब आपने अब आप, आप तकवा के रास्ते पर चल पड़े हैं जो जो आपके दिन गुज़रते रहेंगे हर आने वाला दिन गुज़रे हुए दिन से अच्छा होगा आपका इन शोरल तो ये चंद अल्फाज हैं बहरल ये एक पहली नंबर आयत जो है इसमें अल्लाह ताला बहुत सा मजमून बयान फरमा रहा है इसमें अल्लाह ताला अपनी कुदरतें भी बयान फरमा रहा है कि देखो मैंने तुम्हें पैदा किया है एक जान से एक आदम अलैहिस्सलाम से आज कोई सात आठ अरब लोग जो हैं आप सोच सकते हैं ना इतने लोग हैं मर्द हैं और ख़वान भी हैं वफ़ी मन हम रेजालन कसीरमनसान और वो अल्लाह उसको तो हम बुलाते नहीं हैं हर मुसीबत में हम हमें वो याद आता है जलजिला आता है आपके ज़बान पर यह अल्लाह ख़ैर के अल्फाज होते हैं कोई भी मुसीबत आती है आप दुआएँ शुरू कर देते हैं फ़जू दुआए नारी लेकिन यह है कि अभी भी वक्त है लौट आए अल्लाह की तरफ़ रुजू कर लें अल्लाह को अपनी मंजिल बना लें और अल्लाह के रास्ते पर चल पढ़े लिबा तकवा को इख्तियार कर लें अल्लाह ताली आपसे राज़ी हो जाएगा

وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إن الله كان عليكم رقيبا جي ترجمة سنة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ए लोगो अपने रब का तकबा इख्तियार कर लो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया है व खल अमिन जहा और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया वसमिन हमारे जालन कसीरम न और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैलाईं वतकल्लाजी तसाल्लू नबी वालरहाम और उस अल्लाह का तकवाख्तियार करो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपना हक़ मांगते हो और रिश्तेदारी के ताल्लक़ को बिगाड़ने से बचो इला का ना आलकुमर रखीबा बेशक अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है अभिनायत की तिलावत और तर्जुमा पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से بسم الله الرحمن الرحيم। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निम वाला है या। ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء लोगो अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया यानी अव्वल उससे उसका जोड़ा बनाया फिर उन दोनों से कसरत से मर्द औरत पैदा करके रूए जमीन पर फैला दिए और खुदा से जिसके नाम को तुम अपनी हाजत बरारी का जरिया बनाते हो डरो और कतै मदद अरहम से बचो कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हें देख रहा है तमाम इकरम इसके साथ आज के درس का वक्त इख्तिताम को पहुंचा अगले درس में इंशाल्लाह मुलाकात होगी व आखिर दावाना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मौला या صلली على حبيبك خير الخلق كلهم